आज हम शेमुशी द्वितीय भाग दशम वर्गाय संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ दशम शुभाषितानि अच्छी प्रकार से कहा गया है। ये पद है, आप सब जानते हैं कि आपको, आप लोगों को मैंने इसके पहले जो श्लोक थे, जो पद थे, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके जो शेष कुछ रह गए थे आज वो उनको और प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। श्लोक है अमंत अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषम अयोग्य पुरुष नास्ति योज योज कस तत्र दुर्लभ। अनुवसन देंगे अमंत्रम अक्षम नास्ति अनौषधा मूलम नास्ति अयोग्य पुरुषम नास्ति तत्र योजका दुर्लभ। शब्दार्थ अमंत्रम मंत्रही नामंत्रम अमंत्रक आमंत्र क्षरम इति मूलम मैंने जड़ पाद पादपा नाम अधो भागम औषधम औषधि दवा जड़ी बूटी औषध धन अण धन वनस्पति निमित्तम औषध धन अण और ये दिया है अवृत यानी वनस्पति और निमित्तम योजिका यानी जोड़ने वाला योजति यह सह युद्ध गुण कर दिया हुआ। अब यहाँ भावार्थ है कोई भी अक्षर मंत्रहीन सारहीन नहीं और कोई भी जड़ औषधि यानी जो जड़ी बूटी से रहित नहीं, कोई भी जो मतलब जो जड़ है वह औषधि से रहित नहीं है और कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं, कोई भी यानी मनुष्य अयोग्य गुण रहित नहीं है, बस उन्हें जोड़ने वाला पार्थी दुर्लभ यानी जोड़ने वाला यानी जो पार्थी होता है दुर्लभ होता है। इस प्रकार से कोई भी अक्षर मंत्रहीन सार भी मंत्र ही नहीं है अर्थात सार ही नहीं है, हर अक्षर का अपना एक सार है। जड़ औषधि जो भी जड़ी जड़ रहती है औषधि है वह जड़ी बूटी जो है वो जड़ औषधि से रहित नहीं होती। जो मनुष्य है या कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अयोग्य नहीं है, बस उनको क्या करने की जरूरत है उन्हें जोड़ने वाला यानी उनको पारखी व्यक्ति चाहिए उनको जोड़ने वाला, तो उन्हें जोड़ने वाला कैसा होता है दुर्लभ होता है, जो पार्थी होता है वो दुर्लभ होता है। आगे पढ़ते हैं ऊंचा महता मेघ कुरूपता उदय सविता रक्तो रक्त रक्ताश्चास्तमये तथा अन्वया महताम संपत्तौ विपत्तौ च एकभूता भवति यथा सविता उदय रक्ता भवति तथा एव अस्त मये च रक्ता भवति। शब्दार्थ समझे महता मैंने महान व्यक्ति होगी महाजनानां संपत्तौ समृद्धि में सुखे विपत्तौ विपत्ति में दुखे एक रूपता समान समरूपता सविता सूर्य सूर्य उदय उदय होने के समय उदय काल रक्ता लाल ताम्रा अस्त मये अस्त होते समय अस्त काल भगवान समझिए महान व्यक्तियों की कैसे व्यक्तियों की महान व्यक्तियों की समृद्धि और विपत्ति दुख देने में समानता रहती है। जैसे महान व्यक्तियों की समृद्धि यानी सुख और विपत्ति यानी दुख में समानता रहती है। जैसे सूर्योदय होते समय कैसा होता है लाल, वैसे ही अस्त होते समय भी कैसा होता है लाल होता है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम् अश्वश्चे धावने वीरः भारस वहने खरा। विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम् नास्ति अश्वश्चे धावने वीरः भारस वहने खरा वीरः अस्ति। शब्दार्थ खलु निश्चय धावने दौड़ने में द्रुतगम्य
भारत से बहने भारत या अर्थविहीन नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा वीर, अर्थात इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कुशल होते हैं। इस संसार में निश्चित कुछ भी निर्थक अर्थविहीन नहीं है, यानी यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो जो गधा है वो भार ढोने में। तो इसी प्रकार से जो संसार सभी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पद उत्तरम लिखा एक शब्द में मनुष्य महान विभू का, तो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य गुणी किम व्यक्ति गुणा, गुणवान क्या जानता है? गुणम यानी गुणों को जानता है। कई शाम संपत्त चा विपत्तो भी मैंने समझाया है इसको, च महताम एक रूपता, इनकी संपत्ति विपत्ति में समानता होती है, महता मैंने महान लोगों की। पशुना भी की दिशा ग्रहते, पशुओं के द्वारा कैसा ग्रहण किया, मतलब पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है? तो उदीर तो अर्थ कही हुई बात का अर्थ। उदय समय अस्त समय चा का रक्ता भवति, उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? तो सविता सूर्य। अधोलिखित प्रश्न नाम संस्कृत भाषा या लिखित उत्तराणी, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। के समा बंधु नास्ती, किसके समान मित्र नहीं? उद्वे समा बंधु नास्ती, परिश्रम के समान मित्र नहीं। बसंत से गुणम कम कह जानती, बसंत के गुण को कौन जानता? बसंत से गुणम पिका जानती, यानी जो बसंत के गुण को कौन जानती? कोयल। बुद्धा की दृश्य की दृश्य भवंती, बुद्धियां कैसी होती है? तो बुद्धिया परों परों परिंगत ज्ञान फला भवंती, बुद्धियां जो है दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल को देने वाली होती है। नारायण प्रथमा शत्रु का, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? तो नारायण प्रथमा शत्रु क्रोध, कौन है? क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है ये मनुष्यों का। सुधिया सख्यम के भवती, विद्वानों की मित्रता जो मित्रता है वो किनके साथ होती है? तो सुधिया सख्यम सुधवी सह भवती, जो विद्वानों की मित्रता होती है वो किसके साथ होती है? विद्वानों के साथ। अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए? अस्माभि फल छाया समन्विता महावृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। जो बीच बीच में जो शब्द लिखे हैं इनको आपको बना दे, जो शब्द उनको लिखना है ये अन्वय दिया, का और था ये अन्वय दिया है। जैसे या तो ये देखो शब्द दिया निमित्तम है ना, निमित्तम उद्देश्य प्रकृति तस्य अवगमे सद्रुमं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, यहाँ क्या है? जनातम कथम परितोषिष्यति। फिर है विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्व चेत भावने भी रहा और खरा भारत से भाने, यानी जो अभी मैंने समझाया आपको कि जो घोड़ा होता है वो दौड़ने में और जो गधा होता है भार ढोने में भी होता है। फिर है आएगा अधोलिखित वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोकांश पाठाचित्वालिखत, नीचे जो वाक्य के लिए समानार्थ श्लोकांश हो वो पाठ से मतलब जो आपके पाठ में दिए उनका लिखना। तो विद्वान सह ए भवति यह अनुक्तम अपि तथ्य जानाति, तो क्या आएगा? अनुक्तम अपि होति पंडितो जन। कह रहा है मनुष्य सम स्वभाव ही जन है कह मित्रता करोति, तो वो जो अपने समान है ना, तो समान सी से नहीं सकते उन्हीं को बनाता। परिश्रम कुर्माणा नरा कदापि दुःखं न प्राप्तु नास उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सी गति। फिर आएगा महानता जना सर्वदेव संप्रकृत्या भवन्ति, तो क्या आएगा? संपत्तौ च विपत्तौ च महता मे महता मे मुक्ता। अब यहां दिया हुआ है कि यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यादि रचति, जैसा आपको निर्देश दिया गया है परिवर्तन करके बात रची,
बुरी गुणा जानाती, इसको बहुवचन में तो क्या फिर दिया है यहाँ पर, पशु उदीरितम अर्थ ग्रह ग्रहाती, जिसको कर्मवाचित क्या है, पशुना उदीरता अर्थ ग्रहते, मृगा मृगे सह अनुवर्जंती एक वचन में, तो मृगा मृगेर सह अनुव्रजती, का छायाम निवारती कर्मवाच्य में, केर छाया निवारते, ते एक वहिना शरीरम लभते, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, सा ए वही वहिग्न शरीरम लभती, जो संधि विच्छेद है उनका शब्द आपको लिखना है, और जो जो शब्द दिए हैं उनके संधि विच्छेद है ना, तो जैसे दिया है यहाँ पर ना धन अस्ति धन उद्यम समा, तो नासत युद्ध समा ये बन, तस्य उपगमे तस्या तस्या उपगमे, अनुत्तम धन अपि धन उत्ति अनुक्त मपि युति, गावा धन च क्याया गावश्य, ना धनस्ति नास्ति, रक्त धन च धन अस्तमये रक्ताश्चास्तमये, योजक धन तत्र योजक योजक इसका है ना, यो योजकस्त्र योजकस्त्र, आप यहाँ पर समस्त पद विग्रह लिखना है, समस्त पद विग्रह यानी यहाँ दिया है उद्यम समा, तो उद्यमेन समा, शरीरे स्थिता तो शरीर स्थिता, निर्बला निर्गत बला यस्मात् सम, देहस्य विनाश नाय देह विनाश देह विनाशाय तेह महावृक्ष, तो महान चासौ वृक्ष, समानम सीलम व्यसनम एषां तेषु समान शील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः, अब यहां पर देखिए लिखा है अधोलिखित पदानाम विलोम पद पाठात् वयं, जो आपके पाठ में जो दिए होंगे विलोम उसमें में लिखना, जैसे दिया है प्रसीदति, देखिए यहाँ पर दिया है प्रकुप्यति मूर्ख, तो मूर्ख का उल्टा क्या होगा पंडित, बली निर्बला, सुलभ दुर्लभ, संपत्त यहाँ पर आएगा विपत्त, अस्तमे उदय क्या है उदय, सार्थकम निरर्थकम, वाक्य में इसको वाक्य में प्रयोग करना, संस्कृत के द्वारा वाक्य में इसको क्या करना प्रयोग, जैसे पहले दिया है वायस, अब यहाँ पर देखिए आप वायस का दिया है, तो इस प्रकार तो यहाँ पर जैसे क्या दिया है वायस, ठीक है, अब हमको इसको क्या बनाना वाक्य, तो एकस्मिन वने एका वासा आसी, निमित्तम तो सर्वे धनस्य निमित्तम कार्यं कुर्वन्ति, सूर्य सूर्योदय रक्ता भवति, पिकाः तो पिता मधुरं पूजयति, वहिनि काश्च गतः वाग्नि एव क्रोधा शरीरं दहति, इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको पाठ को पढ़ाया समझाया, जो सुभाष तानी वाले उनके प्रश्नोत्तरों को आप कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे, धन्यवाद।